नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। देश में आर्थिक अपराध की निगरानी से जुड़ा विभाग प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। कभी नेताओं के घरों पर छापों को लेकर तो कभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नसीहत सुनने को लेकर। दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डर से जुड़े केस में ईडी को नसीहत दी थी कि आपको सत्यनिष्ठा के प्राचीन मानकों के अनुरूप होना चाहिए और अपने रुख में प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए। आप प्रतिशोधी न बने, आपको देश की आर्थिक सुरक्षा बनाए रखनी है। इसके बाद आज दिल्ली में जो कथित शराब घोटाला हुआ, उसमें आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सख्त सवाल किए। एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस पुख्ता करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सरकारी गवाह के बयान पर आप कैसे भरोसा करेंगे, वो भी इस सरकारी गवाह। क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया से घूस पर चर्चा देखी थी? सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई में ईडी से और क्या क्या सख्त सवाल किए गए, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी और लीगल न्यूज में सीनियर एडिटर आशीष भार्गव। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़े सवाल पूछे हैं। मनीष सिसोदिया जो गिरफ्तार हैं, इस मामले के आरोपी हैं, करीब 8 महीने से वो जेल में हैं, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी को कटघरे में खड़ा किया। हम ये कहेंगे कि ईडी पर सवालों की बौछार की है। आमतौर पर जमानत के मामले में इतनी लंबी चौड़ी सुनवाई नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे लगता है कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ईडी से सवाल पूछा कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पैसों का जो लेन देन है, मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की कोई भूमिका नहीं आई है सामने, तो फिर उनको मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी कैसे बनाया जा सकता है? मनी ईडी के पास ऐसे कोई सबूत साक्ष्य नहीं है जिसे ये साबित होता हो, जिसे ये पता चलता हो कि मनीष सिसोदिया ने पैसे का लेन देन किया है। उनको जो ये अपराध हुआ है उसमें पैसा मिला है, और जब ऐसा पैसा उनको नहीं मिला है तो फिर वो पीएमएलए के तहत आरोपी कैसे बनाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी कहा कि वो पूरी तरीके से मनी ट्रेल की जो चेन है उसको एस्टैब्लिश करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हुई है, उसके पास सबूत नहीं है इस पूरी बात के। साथ ही साथ ये भी कहा है कि उसके पास सिर्फ गवाहों के बयान हैं, वो भी जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, और ऐसे में उसे सबूत देने होंगे, वरना उसके जो ये सब पूरा जो मामला है ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान ही 2 मिनट में धाराशाही हो जाएगा, पूरी तरह गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी पूछा है कि वो ये बताए कि इस घोटाले में पैसों का लेन देन कैसे हुआ, पैसा किसने दिया, कहाँ पर दिया, वो पैसा किसे दिया गया, वो किसके माध्यम से पैसा कहाँ गया और उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ। ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है पूरी ईडी को एक तरह से हम ये कहेंगे कटघरे में खड़ा किया है, और कहा है कि अभी तक ईडी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। सबूत जो गवाह हैं वो भी सरकारी गवाह बन गए, उनके आधार पर ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो उसने सवाल पूछा था कि क्या आम आदमी पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाया है, उसके पीछे उसकी मंशा किसी को एक्यूज़ बनाने की नहीं थी, आरोपी बनाने की नहीं थी, सिर्फ कानूनी सवाल पूछा गया था कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का ये कहना है कि पार्टी को फ़ायदा हुआ तो फिर पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। तो फिलहाल ये सुनवाई 12 अक्टूबर को जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने भी दलील रखी, कहा कि मनीष सिसोदिया पॉलिसी यानी नीति बनाने में शामिल थे, इसलिए वो इस केस में आरोपी हैं। इधर दिल्ली शराब घोटाले के ही मुद्दे पर ईडी ने कल गिरफ्तार किए गए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया। हालांकि ईडी ने 7 दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी के मुताबिक एक कारोबारी दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के जरिए ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिला था। कोर्ट में आज हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने दावा किया कि संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए मिले हैं, 2 किश्तों में 1-1 करोड़ रुपए उनके घर पहुंचे। संजय के कर्मचारी सर्वेश मिश्रा को पैसे दिए गए, ये ईडी का आरोप है। समीर महिंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट से पैसे आए, दिनेश अरोड़ा 1 करोड़ रुपए लेकर आए। दिनेश अरोड़ा वही हैं जो सरकारी गवाह इस मामले में बन गए हैं। पैसे संजय सिंह के घर पहुंचे, संजय सिंह के कर्मचारी ने इसकी पुष्टि की है, ये ईडी का दावा है। ये भी कि इसके डिजिटल सबूत मिले हैं और सबूतों को लेकर संजय सिंह से उसे पूछताछ करनी है।
संजय सिंह का फोन जब्त कर लिया गया है। फोन में मिले नंबरों को लेकर पूछताछ उनसे की जानी है। तीन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है जिन्हें संजय सिंह के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। हालांकि कोर्ट ने ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर उसके पास सबूत थे तो उसने संजय सिंह को पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ये भी पूछा कि क्या उन्होंने संजय सिंह के कर्मचारी का बयान दर्ज किया है। संजय सिंह के वकील ने कहा कि यह सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। ईडी का एक स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा ईडी और सीबीआई दोनों ही के मामलों में आरोपी था और अब दोनों ही मामलों में सरकारी गवाह बन गया है। तो दिनेश अरोड़ा पर अब जो बचाव पक्ष है वो सवाल उठा रहा है, उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। ये दलील बचाव पक्ष की तरफ से संजय सिंह के वकील की तरफ से दी गई। ये भी कहा कि न तो वो शराब घोटाले में शामिल हैं, न ही उनके खिलाफ कोई सबूत है, यानी संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनके वकील ने ये दलील दी। उन पैसों के बारे में, उन बयानों के बारे में जिनके बारे में ये उन्होंने बताया, वो बयान जो है बहुत पुराने से पहले से दिए जा चुके हैं। अमित अरोरा और दिनेश अरोरा का बयान दसियों बार हो चुका है। आज से पहले संजय सिंह का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ। आज अचानक से एक दिन पहले ईडी आती है और कहती है जी आपके खिलाफ ये बयान दिया गया है, और किसके द्वारा? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उनका अप्रूवर बना हुआ है और उनकी उन्होंने बेल करवाई है। तो ये पूरा जो जिस तरीके से आज कोर्ट में दलीलें दी गई ईडी से, इससे बिल्कुल साफ साबित होता है कि इनके पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं। दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले में अब तक मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, और संजय सिंह राज्यसभा सांसद, इनके समेत कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में दिनेश अरोड़ा, राघव माटुंगा और शरत रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं। जांच में आप सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था और इस मामले में सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर हुई है। इस मामले में जो पूरी मनी ट्रेल है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है और आगे भी जो कार्रवाई होगी वो सबूतों के आधार पर होगी। एक सवाल ये उठ रहा है कि ये दिनेश अरोड़ा कौन है जिसका सरकारी गवाह बनना आपके कई नेताओं की गिरफ्तारी की वजह बन गया। दिनेश अरोड़ा दरअसल एक कारोबारी है, शराब घोटाले में सरकारी गवाह बना है। 14 नवंबर को उसकी गवाही होनी है। उसने अदालत में कहा है कि वो सारे राज खोलेगा। ईडी के मुताबिक संजय सिंह ही दिनेश अरोड़ा और सिसोदिया, मनीष सिसोदिया के बीच की कड़ी है। अरोड़ा एक बार संजय सिंह के घर पर केजरीवाल से मिला। दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर आपके लिए चुनावी फंड दिलवाए। दिनेश अरोड़ा आरोपी अमित अरोड़ा को संजय सिंह के घर ले गया। ये सब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी का कहना है, मतलब इन आरोपियों के खिलाफ ईडी का कहना है। संजय सिंह ने अपने साथियों को अमित अरोड़ा से शराब के धंधे में पैसा लगाने को कहा। बदले में संजय सिंह ने अमित अरोड़ा को सिसोदिया से मिलवाया। सिसोदिया ने दिनेश और अमित अरोड़ा से कहा कि आबकारी नीति बदली जाएगी। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के रेस्तरां उद्योग का एक बड़ा नाम और कई रेस्तराओं का वो MD रह चुका है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अब तक जो प्रमुख लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनके नाम एक बार जान लेते हैं। कुल 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख लोग हैं उनमें विजय नायर हैं जो आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रमुख रह चुके हैं, समीर महेंद्रू हैं शराब विक्रेता, बुची बाबू जो BRS की नेता के कविता के पूर्व CA हैं, राघवन हैं YSRCP सांसद के बेटे, मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी। इस बीच संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आज देश भर में कई जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली, मुंबई, पुणे और चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किए। दिल्ली में BJP मुख्यालय के पास आपका प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस के साथ भी काफ़ी खींचतान हुई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। मुंबई में ईडी के दफ्तर के बाहर आपके जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन के लिए जुटे। पुणे में भी आपके कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा गया और चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच काफ़ी देर तक आम आदमी पार्टी और पुलिस के बीच में खींचतान चलती रही। बाद में पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को तितर बितर। और इधर आज जब संजय सिंह को ईडी ने कोर्ट में पेश किया तो उससे पहले जब वो लेकर जा रही थी उन्हें, तो संजय सिंह लगातार कह रहे थे कि मोदी सरकार डर गई है। उधर BJP इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी है। मोदी जी चुनाव हार रहे इसलिए सब करा रहे। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है क्यों? संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। संजय सिंह
शराब घोटाले में अंदर होगा, ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर हम विकास के दृष्टि से देखें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और वकील प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं और वकील देशरत्न निगम इस मसले में क्या कहते हैं, जिस तरह से ये ईडी का मसला चल रहा है दिल्ली शराब घोटाले में, सुनते हैं। ये तो बहुत क्लियर है कि 15 महीने हो गए जांच करते करते, इन्होंने हर पैतृक गांव तक मनीष सिसोदिया जी का खंगाल डाला, इन्होंने कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी जहां पर रेड ना हुई हो, करीब 1000 रेड्स हो गई, एक चवन्नी नहीं मिली। अगर आप कहते हैं कि एक पीएमएलए का केस है तो उसमें कहीं तो मनी ट्रेल होगी, अगर किसी ने पैसा दिया तो वो पैसा कहाँ पड़ है, क्यों अब तक अनर्थ नहीं हो पाया, 15 महीने हो गए, 15 महीने बाद ये संजय सिंह जी का नाम लेकर आते हैं। इससे क्लियरली दिखता तो है ही कि इन्वेस्टिगेशन केस बहुत हल्का है, पर क्योंकि पीएमएलए का मामला होता है और पीएमएलए सीआरपीसी से थोड़ा अलग रहता है, उसमें थोड़ी प्रोविजंस ड्रिकोनियन होती हैं। एक चीज ये भी है कि पीएमएलए की कुछ प्रोविजंस रिव्यू में पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो अलग मसला है। तो फिर ईडी का कन्विक्शन रेट देखिए तो कितना कम है, फिर ये देखिए कि करीब 95% से ज्यादा ईडी के मसले सिर्फ विपक्षी पार्टियों पे हैं, फिर पिछले 4 दिन का आप देखिए क्या चल रहा है, पहले जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे जो मुखर तौर पर गवर्नमेंट से सवाल पूछते थे, फिर सेकेंड डे हमने देखा कि टीएमसी की लीडर को कैसे ड्रैग किया गया सड़कों पर, फिर हमने थर्ड डे देखा संजय सिंह जी के अरेस्ट को। ये सारी वो वॉइसेस थी जो बहुत वोकल होकर सरकार से लगातार मणिपुर के ऊपर क्वेश्चन करती हैं, महंगाई के ऊपर क्वेश्चन करती हैं, जॉबलेसनेस के ऊपर क्वेश्चन करती हैं। तो उन वॉइसेस को डराने का माहौल बनाने के लिए कि उनसे कोई सवाल ना पूछ पाए, तो लगातार ऐसी वॉइसेस को दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा। ये वेंडाटा पॉलिटिक्स है, और अगर करप्शन सच में इशू होता तो मुझे लगता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा, जिनके अगेंस्ट भाजपा ने वाटरगेट स्कैम में पर्चे छापे थे, फिर चाहे अजीत पवार जी हो जिनको प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बुलाया और अगले ही दिन उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, तो इन लोगों पे यहाँ पर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती? तो और अभी तक हमारे केसेस में उसके बिल्कुल विपरीत कुछ भी रिकवरी नहीं हो पा रही, एक चवन्नी नहीं मिल पा रही। तो क्लियरली ये डाटा पॉलिटिक्स है जो विरोधियों की आवाज दबाने को किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल तो एकदम सही उठाए हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो ये कुछ मेरे ख्याल से चार्जशीट में सप्लीमेंट्री चार्जेस लगा के शायद इसमें ईडी बदलाव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये चीज पहले ही हो जानी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। तो ये सवाल के और सुप्रीम कोर्ट का काम है स्क्रूटनी करना, देखना कि प्रोसिक्यूशन एजेंसीज अपना काम ठीक से कर रही है नहीं कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इसमें कई गवाह भी हैं जिनका नाम ऊपर उठ के आया, जिन्होंने पैसे की लेन देन करी, तो ये भी देखने वाली बात है इस स्टेज पे, क्योंकि पीएमएलए जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है आपका, जिसको रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशन के तहत आया था इंडिया में बना था, जिसका स्कोप भी बढ़ा दिया गया, वहां पर भी पीएमएलए में आप दोषी हैं जब तक आप इनोसेंट घोषित नहीं होते, जबकि आईपीसी जो है हमारा इंडियन पीनल कोड, उसमें आप इनोसेंट हैं जब तक आप दोषी साबित ना करे जाए कोर्ट में। तो ये उल्टा जूरिसप्रूडेंस जो फ्रांस से आया हमारे पास, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को चरमरा देता है, भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ देता है, उस पर आघात करता है, तो इसको बहुत कठिन कानून इस पर बनाया गया, और इसमें मनीष सिसोदिया को साबित करना है कि वो दोषी नहीं है, वो इनोसेंट है। तो ये बदला हुआ हमारा परिप्रेक्ष्य है, ये कांग्रेस के वक्त में लॉ आया था, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है, इसको माना है, तो ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आज के ऑब्जर्वेशन है उसको समग्र या पूरे तरीके से देखना चाहिए। और कोई भी जैसे अपराध होता है, पीएमएलए अपने आप में एक अपराध नहीं है, उसके लिए एक अलग अपराध होना चाहिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉग्नेट ऑफेंस कहते हैं, जो आईपीसी या कहीं पे भी हो सकता है, इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लग रहा है।
तो जब भी कोई देखिए अपराध होता है तो उसमें मंशा होती है अपराध करने की, उसकी तैयारी की जाती है, फिर प्रयास किया जाता है क्राइम करने का, अपराध करने का, और फिर उस क्राइम को अंजाम दिया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है। तो आम आदमी पार्टी के कई नेता दिल्ली शराब घोटाले में घिरे हुए हैं और इन नेताओं पर ईडी ने केस भी दर्ज किए। इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मीडिया के सवाल पर इतना ही कहा कि अगर किसी के खिलाफ सबूत हैं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या कानूनी तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी को आपराधिक केस में आरोपी बनाया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को, क्या ऐसा हो सकता है? इस पर वरिष्ठ वकील मनीष पाठक से बात की हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। मनीष सिसोदिया केस में एक बड़ी बात उठी कि क्या राजनीतिक पार्टी को किसी क्रिमिनल केस में आरोपी बनाया जा सकता है। इसको लेकर बहस, कानूनी बहस छिड़ गई। हमारे साथ मनीष पाठक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, आज की कानूनी स्थिति में क्या आरोपी बनाया जा सकता है किसी क्रिमिनल केस में किसी पार्टी को? जी, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से कोई भी आरोपी नहीं बनाया जा सकता पॉलिटिकल पार्टी को, और इतिहास में यह आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट, कोई भी लॉ ऐसा सेटल नहीं किया है। तो ये अभी एक डिबेटेबल इशू है, डिबेटेबल टॉपिक है, जिस पर जो आगे अगर इस तरह का आता है तो ये कई तरह की बहस को जन्म दे सकता है। तो अभी इस पर कोई भी सेटल नहीं, कोई भी ऐसा कोई इसको लेकर कोई फैसला कहीं से आया है अभी तक? जी, 2017 में एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ था जिसमें ये क्लियर कहा गया कि चूंकि ये कानूनी व्यक्ति या ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, तो इस पर ना केस किया जा सकता है ना ये कर सकती है। कंपनी एक्ट के तहत कंपनी तो लीगल एंटिटी आ जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी लीगल एंटिटी नहीं है, और जब तक कोई लीगल एंटिटी नहीं है तो आप उसके खिलाफ ना केस कर सकते हैं ना वो कर सकती है। व्यक्ति एक चूंकि लीगल पर्सन है, व्यक्ति के अगेंस्ट आप कर सकते हैं, व्यक्ति खुद कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक ऐसा कोई भी किसी भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल किया है। तो अभी एक ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है, और अगर इस तरह की चीज़ें कोर्ट में आती हैं तो ये एक बड़ी बहस को जन्म देंगी। और अब न्यूज क्लिक से जुड़ा मामला जिसमें ईडी की कार्रवाई हुई है, और इस मामले में आज फिर कुछ पत्रकारों से पूछताछ हुई जो न्यूज क्लिक से जुड़े बताए गए, जो न्यूज क्लिक के लिए लिखते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में आज वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा को फिर बुलाकर पूछताछ की गई। दरअसल ये सारा मामला है क्या, न्यूज क्लिक पर ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या हैं, और वो व्यक्ति कौन है नेविल रॉय सिंघम जिस पर ये आरोप लगता है कि वो चीन के इशारे पर दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करता है और चीन के इशारों पर अलग अलग जगहों पर अखबारों में या वेबसाइट्स को पैसे पहुंचाता है। क्या है पूरा मामला, हमारे सहयोगी अरविंद गुणाशेखर की ये रिपोर्ट। इस कहानी में चीन के छदम युद्ध का पर्दाफाश होता है। कैसे चीन दुनिया भर में अपनी विचारधारा फैलाने के लिए बुद्धिजीवियों पर मोटे पैसे खर्च कर रही है। इस स्मोकलेस वॉर में वो अपने प्रतिद्वंदी देशों में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए ये लड़ाई चीन सोशल मीडिया के जरिए लड़ रहा है और जगह जगह पर अनरेस्ट पैदा कर रहा है। भारत के न्यूज क्लिक मामले में ईडी सूत्रों का कहना है कि न्यूज क्लिक को अमेरिका के स्थित कंपनी से एफडीआई में 9.6 करोड़ रुपए मिले। आरोप है कि अमेरिका में स्थित मेसर्स वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी ने न्यूज क्लिक के शेयर 11,510 प्रति शेयर पर खरीदे। नेविल रॉय सिंघम की एक सहयोगी जेसन फेचर ने 2017 में अमेरिकी कंपनी बनाई। आरोप है कि न्यूज क्लिक को 2018 से 2022 के बीच अमेरिका में स्थित दो कंपनियों से 38 करोड़ रुपए मिले। ईडी जांच के दौरान न्यूज क्लिक अमेरिकी कंपनियों को सेवाएं निर्यात करने का सबूत नहीं दे पाई। 38 करोड़ के विदेशी फंड के तार नेविल रॉय सिंघम से जुड़ते हैं। मुख्य पात्र नेविल रॉय सिंघम आखिर है कौन, उसके बारे में भी जान लीजिए। पूरा नाम नेविल रॉय सिंघम, जन्म 1954, उम्र 69 साल, पिता आर्किबॉल्ड विक्रमराज सिंघम, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर, शिक्षा 1993 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र, निवासी शंघाई चीन, शिकागो यूएस, पेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंपनी थॉटवर्क्स आईटी परामर्श कंपनी, 2009
थॉटवर्क्स विदेश नीति पर परामर्श देने वाली टॉप 50 ग्लोबल थिंकर्स कंपनी में शामिल हुई। इसके काम है वामपंथी विचारधारा का प्रसार कर दुनिया की राजनीति को प्रभावित करना। अफ्रीका में राजनेताओं को प्रशिक्षण देते हैं, दक्षिण अफ्रीका के चुनावों में उम्मीदवार उतारे, लंदन में प्रदर्शन आयोजित किए, जैसे एक प्रदर्शन में हिंसा हुई। सिंघम से जुड़े ग्रुपों ने लंदन हिंसा के YouTube वीडियो बनाए, जिन्हें करोड़ों लोगों ने देखा है। आरोप, चीनी विदेश नीति का समर्थन देने वालों को लाखों डॉलर चंदा दिया। दूसरा आरोप, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत में न्यूज क्लिक वेबसाइट को फंडिंग की ताकि चीनी बातों को प्रमुखता से छापा जाए। सूत्रों की माने तो ईडी जांच में पता चला है 2021 में न्यूज क्लिक वेबसाइट को 38 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली। इस राशि का मनी ट्रेल सिंघम तक पहुंचता है। न्यूज क्लिक पर इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप भी है। न्यूज क्लिक को मिली फंडिंग का इस्तेमाल कहां हुआ, उनकी जांच भी हो रही है। एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार न्यूज क्लिक ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा को 21 लाख रुपए का वेतन दिया। न्यूज क्लिक ने तीस्ता सीतलवाड़ के परिवार वालों को 24 लाख रुपए वेतन के तौर पर दिए। न्यूज क्लिक ने प्रंजॉय गुहा ठाकुरता को 40 लाख रुपए का वेतन दिया। न्यूज क्लिक ने पत्रकार उर्मिलेश को 23 लाख रुपए वेतन के तौर पर दिए। दिल्ली पुलिस ने 17 अगस्त 2023 को न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ पर केस किया। न्यूज क्लिक और उसके अफसरों पर आतंक निरोधी कानून UAPA लगाया। न्यूज क्लिक पर आतंक फैलाने, आतंकी फंडिंग और आपराधिक साजिश का आरोप। न्यूज क्लिक पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का भी आरोप है। इन आरोपों का खंडन करते हुए न्यूज क्लिक ने एक बयान दिया। न्यूज क्लिक को 2021 से भारत सरकार की कई एजेंसियों ने निशाना बनाकर कई कार्रवाई की है, लेकिन पिछले दो साल में प्रवर्तन निर्देशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यूज क्लिक के खिलाफ शिकायत तक दर्ज नहीं करवा पाया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भारतीय दंड संहिता के तहत न्यूज क्लिक पर आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी। न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई की निंदा करते हुए कई प्रेस संगठनों ने बयान जारी किए हैं। देश भर के पत्रकार संगठनों ने भारतीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लिखकर उनसे मीडिया पर हो रहे हमले और डिवाइसेस जब्त किए जाने पर दखल देने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि जांच में यह भी पता चला है कि पुरकायस ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा के साथ भी एक कंपनी बनाई थी। आरोप है कि इसमें अमेरिका में स्थित एक रक्षा कंपनी का निवेश है। वो निवेश और कंपनी भी जांच के दायरे में लाए गए हैं। अरविंद गुनाशेखर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात एक और अहम मुद्दे की। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही की, जो कई सवाल खड़े करती है और यह भी बताती है कि हम कहीं लापरवाह तो नहीं हो रहे हैं। उच्च हिमालय में 3 और 4 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने हजारों लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा तीस्ता नदी के दोनों ओर एक बड़े इलाके में भारी तबाही मची। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। नदी के साथ बहकर आए गाद ने कई मकान, कई गाड़ियों को दबा दिया। नदी किनारे के खेत मलबे में गायब से हो गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ की वजह से अलग अलग जगहों पर कुल 14 लोगों की मौत हुई है। 104 लोग लापता हैं, जिनमें 22 सेना के जवान शामिल हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों पर इस कुदरती आपदा का असर पड़ा है। 2,000 से ज़्यादा लोगों को इस हादसे के बाद से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक 3,000 से ज़्यादा सैलानी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं और कईयों को निकाला जा रहा है। इस बाढ़ की वजह रही करीब 5,200 मीटर की ऊंचाई पर बनी लोहनक झील, दक्षिणी लोहनक झील। ये दरअसल टूटी और जानकारों का अनुमान है कि मानसून अब जब लौट रहा है तो उस दौरान इस इलाके में काफ़ी भारी बारिश हो गई। इससे झील में पानी इतना बढ़ गया कि उसका मुहाना टूट गया और पानी बड़ी ही तेज़ी के साथ नीचे बहना शुरू हो गया। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस इलाके की है जहाँ पर ये झील टूटी और उसके बाद किस तरह से ये नीचे तीस्ता नदी आई और तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है उनको नुकसान पहुंचाती गई। इस वजह से
जो दो तिहाई झील अचानक खाली हुई, पानी में काफ़ी ज़्यादा ताकत थी और उसने आसपास के इलाकों में तबाही बरपानी शुरू की। निचले इलाकों में बाढ़ का असर कई बांधों पर पड़ा जो तीस्ता नदी पर बने हुए हैं और चुंगतांग बांध से इसकी वजह से पानी छोड़ना पड़ा और इसके कारण निचले इलाकों में हालात और ख़राब हो गए। तीस्ता घाटी में NHPC के दो पावर प्लांट्स हैं जिन पर सीधा असर पड़ा। 510 मेगावाट के तीस्ता 5 पावर स्टेशन की सभी यूनिट्स को बंद कर दिया गया। 500 मेगावाट का तीस्ता 6 पावर स्टेशन जो है उसके कामकाज पर भी असर पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा असर पड़ा स्थानीय लोगों पर, उन लोगों पर जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, घर थे जिनके, कई घर मिट्टी में दब गए, गाड़ियाँ दब गई, कई खेत दब गए और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, जान और माल दोनों का। पानी का इतना ये लेवल आप पहले कभी देखा है? 71 के बाद इस लेवल तक पानी पैदा होने से पहले आया था बोलता था, लेकिन पैदा होने के बाद कभी नहीं देखा, हम अपने आंखें से कभी नहीं देखा है। इतना पानी कहाँ तक पहुँचे थे कल? कल ये रोड क्रॉस करके वो घर के ऊपर छत दिखाई दे रहा था, कल छत ही दिखाई दे रहा था, सब उधर वो जो पानी का दाग है वहाँ तक पानी था। अच्छा, और ये आप बोल रहे थे ब्रिज के ऊपर के आसपास तक पर? वो ब्रिज के पिलर तो पूरा वो जो ब्रैक स्क्वायर है ना, हाँ। उसके थोड़ा नीचे वो दाग है, हाँ। वहाँ तक पहुँच गया था। अच्छा, अब सवाल ये है कि तीस्ता नदी में अचानक ये बाढ़ आई क्यों और कैसे? इसके लिए हमें सिक्किम हिमालय में करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर बनी दक्षिणी लोहनक झील को देखना होगा, जिसका जिक्र हमने अभी किया कि वो किस तरह से टूटी। ये झील लोहनक ग्लेशियर के पिघलने और पीछे हटने से बनी है। इसरो के राइसेट 1A उपग्रह की इन तस्वीरों से हादसे की वजह साफ होती है। इसमें आप 17 सितंबर 2023 की उपग्रह से ली गई तस्वीर देखेंगे तो इसमें दिखता है कि ये जो झील है, दक्षिण लोहनक झील, करीब 162.7 हेक्टेयर इलाके में फैली हुई है। इसके 11 दिन बाद 28 सितंबर को जो अगली तस्वीर है उसमें झील में पानी बढ़ गया है और ये बढ़कर करीब 167.4 हेक्टेयर इलाके में फैल गई। आप देखेंगे जो लोहनक झील जहां लिखा हुआ है ब्लैक, काला जो रंग है वो बड़ा हुआ है हल्का सा। और 3 और 4 अक्टूबर की आधी रात करीब 1:30 बजे अचानक ये झील फटती है। इस झील के निचले छोर पर पानी को जो मोरेन्स हैं उन्होंने रोका हुआ है, जिनको हम हिमोड़ बोलते हैं, इसे मोरेन डैम्ड लेक भी कह सकते हैं। मोरेन वो लूज चट्टाने और मलबा हैं जो ग्लेशियर्स के पीछे खिसकने पर छूटते जाते हैं, लूज होते हैं। और इस इलाके में भारी बारिश से रात को पानी इतनी तेज़ी से बढ़ा कि मोरेन से बनी ये झील की दीवार टूट गई। और तीसरी तस्वीर टूटने के बाद सुबह 6 बजे की है जो बता रही है कि जो झील 28 सितंबर को 167.4 हेक्टेयर इलाके में थी वो कुछ ही मिनटों में खाली होकर करीब 60.3 हेक्टेयर रह गई। ये पानी इतनी भयानक तेजी से नीचे के इलाके में गुजरा कि उसने काफ़ी तबाही बरपाई। तो ऐसी झील को पटना वैज्ञानिक भाषा में ग्लॉफ कहा जाता है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। भूविज्ञान से जुड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका जियोमॉर्फोलॉजी के 2021 के एक अध्ययन के मुताबिक दक्षिण लोहनक झील बीते कई दशक में तेजी से बड़ी हुई है और इसकी वजह है कि इसका स्रोत लोहनक ग्लेशियर तेजी से पिघलकर पीछे हट रहा है। वैसे 10 साल पहले फरवरी 2013 में करंट साइंस में छपे एक शोध पेपर में इस हादसे की चेतावनी दे दी गई थी और ऐसी हादसे की चेतावनी और भी कई जगहों पर दी जा चुकी है। वैज्ञानिकों के बाबू गोविंदराज, SN रम्या और के विनोद कुमार के इस रिसर्च पेपर में कहा गया था कि सिक्किम का लोहनक ग्लेशियर 1962 से 2008 के बीच 1.9 किलोमीटर छोटा हो चुका है। इस वजह से वहां दक्षिण लोहनक झील बड़ी हो रही है और उसके फटने का अंदेशा 42% है। ये भी कहा गया था कि इस खतरे को देखते हुए वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना जरूरी हो गया। दो सौ 2013 में हमारा जो स्टडी साउथ लोहनक लेक में था उसमें हमने जो बोला था कि हमने जो स्टडी किया था सैटेलाइट डेटा लेके, तभी हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि जो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्रेकिंग दिस लेक हो सकता है कि 42% है। देन जो पानी है जो लेक आउटबर्स्ट हुआ तो उसका पानी भी हम लोग प्रेडिक्ट किया था कि 19 मिलियन क्यूबिक मीटर तक, मीन्स अगर जो लेक आउटबर्स्ट हुआ तो उतना पानी होगा। तो उसी टाइम में भी हम लोग जैसे उसी में किया था कि ये लेक खतरे में है, तो हमने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी उसी के साथ सजेस्ट किया था। तो अभी मैं बहुत दुखी हूँ कि हमारे सामने अभी हमको देखना पड़ रहा था कि वो लेक टूटे हुए और उसी में बहुत लोग मरते हुए और बहुत लोगों को अपनी घर सब
पानी में बिगड़ गया है। तो ये सब देखे तो हमको बहुत मन को बुरा लग रहा है। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के मुताबिक सिक्किम में 733 ग्लेशियल झील हैं इसी तरह की, जिनमें से 288 झीलें 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। और यही चिंता की बात है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ये झीलें अब तेज़ी से पिघल रही हैं। और इनका तेज़ी से पिघलना जो है और पानी का बढ़ना सिर्फ सिक्किम ही नहीं पूरे उच्च हिमालय में चिंता का विषय है। और उच्च हिमालय में ग्लेशियरों के मुहाने पर जो ये झीलें बन चुकी हैं कभी किसी अतिवृष्टि या किसी और वजह से टूटकर तबाही बरपा सकती है। आपको 7 फरवरी 2021 की भयानक तस्वीरें याद होंगी जब उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ऋषि गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने कहर बरपा दिया था। इस हादसे में करीब 200 लोग लापता हुए थे जिनमें से 80 के ही शव मिल पाए। ऋषि गंगा नदी ने तब देखते ही देखते रैणी और तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट्स को बर्बाद कर दिया था। उस समय बारिश नहीं हुई थी बल्कि करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वत है रोंटी पीक, वहाँ से एक हैंगिंग रॉक यानी एक बहुत बड़ी चट्टान का टुकड़ा टूट कर गिरा था। ये चट्टान का टुकड़ा आप अंदाजा लगाइए 540 मीटर चौड़ा था, 720 मीटर लंबा था, इतना एक पूरा पहाड़ था ये चट्टान का ग्रेनाइट का। और ये करीब 2 किलोमीटर नीचे गिरा था सीधे घाटी में और उससे इतनी भयानक ऊर्जा निकली थी कि नीचे रोंटी गाड़ के पानी को उसने उछाल दिया, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा ये पानी और उसने रास्ते में सब कुछ रौंद दिया। आगे बढ़ता गया और आगे ऋषि गंगा से मिलने वाले इस पानी ने रैणी तपोवन और कर्णप्रयाग में काफ़ी तबाही मचाई। तो ये बताता है कि किस तरह से बहुत ऊपर के जो इलाके हैं हिमालय के 5000 मीटर या उससे ऊपर के इलाके वहाँ ऐसी स्थितियाँ कभी भी आ सकती हैं, कभी अतिवृष्टि से या कभी इस तरह के हादसों से। चमोली ज़िले की हम बात करें जहाँ ये हादसा हुआ था, वहाँ के उच्च हिमालयी इलाके में करीब 1300 झीलें हैं जो ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी हुई हैं। अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत हिमालयन शोध संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध में ये सामने आया है कि चमोली ज़िले में 41% झीलें 5 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है और इनमें से अधिकतर झीलें धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। इनमें से कई झीलें कभी भी किसी अतिवृष्टि की स्थिति में किसी बड़ी तबाही को ला सकती है। तो ये नौटियाल अटाल करके पेपर है जो जीबी पंत संस्थान का है। तो साफ है कि उच्च हिमालय काफ़ी संवेदनशील है, क्लाइमेट चेंज का असर उसके ग्लेशियरों के पिघलने के तौर पर साफ दिख रहा है और इस वजह से नीचे झीलें बड़ी हो रही हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक भारत में करीब 30 लाख लोग हिमालय में ऐसी जगहों पर रहते हैं जो सीधे सीधे किसी ग्लेशियर की झील के टूटने से प्रभावित हो सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की जाने माने ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीपी दोभाल से। वाटर इंस्टीट्यूट ने जो है उत्तराखंड में किया था तो उन्होंने लगभग जो है करीब जो है 800 ग्लेशियर लेक का आइडेंटिफाई किए थे। हिमाचल में किया था तो वहाँ भी लगभग 900 कुछ लेक्स हैं। सिक्किम में बात करते हैं, सिक्किम में लगभग जो है 270 के लगभग जो है लेक इन्वेंट्री बनाई गई है। और इन एक्चुअली क्या है कि लेक जो है विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ लेक्स जो है मैक्सिमम जो लेक का कंसंट्रेशन है वो है सुपरग्लेशियर लेक जो ग्लेशियर के बॉडी के ऊपर बनते हैं, ग्लेशियर के सरफेस में बनते हैं। तो दे आर वेरी टेम्पररी लेक, कभी बनते हैं कभी निकल जाते हैं और उनकी संख्या जो है उनके नंबर भी हमेशा साथ चेंज होते रहते हैं। एंड वो डिपेंड करते हैं कि प्रीवियस विंटर में कितना स्नोफॉल हुआ या कितनी बारिश हुई उस पर डिपेंड करते हैं वो। लेकिन जो असली लेक बनते हैं जिनको हम मोरेन डैम लेक बोलते हैं या आइस डैम लेक बोलते हैं, उनकी संख्या जो है सिक्किम में लगभग जो है 260 के लगभग हैं, उत्तराखंड में लगभग जो है 270-280 के लगभग है और ऐसे ही हिमाचल में भी 200 समथिंग है लेक हैं। पर लेक का बनना और उनका डेंजर होना दूसरी चीज है। मोस्टली जो लेक जो है जो डेंजर लेक होते हैं उनको हम बोलते हैं मोरेन डैम लेक, जिनके संख्या जो ही बनते हैं। कुछ लेक जो है जैसे ग्लेशियर इनका फॉर्मेशन इसलिए होता है जैसे एक तो इनका मेन वाटर का सोर्स है आपका जो है स्नो आइस मेल्ट और रेन, और जैसे ही ग्लेशियर रिट्रीट करते हैं तो जो पोर्शन छोड़ जाता है तो लॉट ऑफ डेब्री एक्युमुलेटेड देयर ओनली, और वो जो डेब्री एक्युमुलेट होती है वो उसको ब्लॉकेज करके लेक बनना शुरू कर देती है। जो भी इसमें आइस मेल्ट वाटर आता है वो उसमें जमा होता रहता है। लेकिन कभी कभी ये लेकें जो है छोटी होती है, कभी कभी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में जो है 8-10 लेकें ऐसी हैं जो ग्रो कर रही हैं। उसी प्रकार जो है हिमाचल में भी है, उसी प्रकार जो है सिक्किम में भी लगभग जो है 14 लेक ऐसी हैं जो बहुत ही डेंजर लेक्स हैं।
जो बहुत ग्रो कर रही है उनमें से एक जो है लोनांग लेक भी है। साउथ लोनांग, नॉर्थ लोनांग दो लेक्स हैं जो बहुत फास्ट फास्ट ग्रो कर रही है। और इसका ग्रो करना जो है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका जो बेसमेंट होता है या जो इनका एनवायरमेंट होता है वो बहुत लूज अनकंसोलिडेटेड मेटेरियल होता है, लूज मेटेरियल होता है मोर इनका, जिससे जो है वो एकदम से ज्यादा पानी बढ़ने से उनके ग्रो होने से कभी कभी अपने ही प्रेशर से वो टूट भी जाती है। लेकिन मेनली जो उनका कारण टूटने का कारण जो होता है वो तो आइदर इट इज रॉक फॉल, एवलांचेज, डेब्री फ्लो, या आपका जो है कई लेकों में जो है आपका जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, आउटलेट नहीं होता है, पानी उसमें कटा हो जाता है तो ओवरफ्लो भी होना शुरू कर देता है जिससे इरोजन होता है और वो लेक टूट जाती है। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसका आज से आगाज हो गया। पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पूर्व चैंपियन इंग्लैंड को हराकर 4 साल पहले 2019 के फाइनल की हार का बदला ले लिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 86 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली और न्यूजीलैंड की टीम को 283 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड की टीम की ओर से डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने शतकीय पारियां खेलीं और पहला मैच 9 विकेट से जीत लिया। तो इस पहले मैच पर बातचीत के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी विमल मोहन। विमल, 4 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई और इस मैच से लगता है कि जोरदार दिलचस्प शुरुआत हो गई है वर्ल्ड कप। बिल्कुल, 4 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई और इंग्लैंड को शुक्र मनाना चाहिए कि पहला मैच था। अगर क्योंकि न्यूजीलैंड, हम लोग बातचीत करते हैं कि खिलाड़ी उस माइंडसेट से नहीं जाते, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपके हाइंडसाइट में होता है और वो तस्वीर कि फाइनल में हारे और उसकी वजह से। लेकिन पहले मैच में बगैर केन विलियमसन के खेलते हुए और रचिन रविंद्र, जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा हूँ, 22-23 साल के खिलाड़ी, इंडियन ओरिजिन है उनका, पिताजी उनके बैंगलोर में रहते थे, शानदार शतकीय पारी खेली। डेवन कॉन, एक ही बस फिक्र है इसमें कि क्या टॉस इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर बाद वाली टीम को गेंदबाजी करने में मुश्किल हो रही है तो ड्यू फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बॉल को ग्रिप करने में, ये सारी बातें और भी पिचों पे जाने पे होंगी। क्या यहाँ वो फैक्टर था या फिर ये दोनों बल्लेबाज ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा खेले। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम धमाके के साथ आई है और ये कह के आई है कि आप उसको हल्का ना ले। टॉप जो 4 फाइनल टीमें होंगी, मुझे लगता है उसमें ये इस टीम को ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो वर्ल्ड कप का शानदार आगाज़ हुआ और अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत लंबा चलना है वर्ल्ड कप और आने वाला लगभग 1 महीना क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा।